सी कैटेगरी का एक कॉम्पैक्ट सोफा है विथ टीक वुड बेस मेलामाइन पॉलिश है सर इसके ऊपर साटिन फिनिश है लाइट वॉलनेट hmm. कलर है ओके okay. और स्वेट बहुत अच्छी प्रीमियम क्वालिटी का स्वेट फैब्रिक लगा हुआ है ठीक है अब सर इसका थ्री टू डिवाइडर लगाने का कंसेप्ट ये है कि अगर कोई पर्सन स्लीक सोफा देखता है तो नेचुरल की बात है कि उसके घर में स्पेस भी स्लीक होगा राइट right. तो अगर किसी को इसमें थ्री टू का ऑप्शन चाहिए तो वो थ्री टू भी ले सकता है सेवन hmm. सीट चाहिए तो डिवाइडर लेके थोड़ा सा स्पेस कॉन्शियस है तो सेवन सीट फाइव सीट के साथ डिवाइडर भी ले सकते हैं और अगर किसी को इसके ऑर्डर पे देंगे तो उनको सेवन सीट भी अवेलेबल हो जाएगा सर इसका चलिए ठीक है इसमें हमारे पास कई सारे कलर ऑप्शन हो जाएंगे पॉलिश के भी और yes, फैब्रिक yes, के भी yes, राइट ना चलिए ठीक है ये फुल कवर के अंदर एक कॉम्पैक्ट सोफा है सर ये हमारी लास्ट वीडियो में भी फीचर हुआ था अच्छा और स्वेट uh, फैब्रिक के अंदर है और ये अभी भी अवेलेबल है हमारे पास ये भी कस्टमाइज काफी हुआ है 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 अच्छा अच्छा और uh, अच्छा इसका रिस्पांस रहा बिकॉज ये भी कॉम्पैक्ट सीटिंग अगर एक नॉर्मल फुल कवर सोफे की हम डेप्थ की बात करें वो अराउंड थर्टी सिक्स से थर्टी सेवन होती है ये थर्टी टू इंच में एक परफेक्ट सीटिंग स्पेस दे रहा है सर अच्छा। सर ये भी रेजिन के अंदर है अच्छा जी सर ओके रेजिन के अंदर है वॉलट पीयू फिनिश के अंदर है सर ये सारा का सारा जी। इसके ऊपर वेल्वेट लगाया है हमने नॉन शेडेड नहीं है शेडेड है बिकॉज इसको कंट्रास्ट बहुत अच्छा कर रहा है सर ये वाला कलर बीज एंड ब्राउन का जी सर ठीक है वेरी थिक है ये यस सर ओके डन हम आज हम हमने आज स्ट्रक्चर फॉर्मिंग इन सब की बात नहीं की क्योंकि हमारे को सब वो सब स्टैंडर्ड है सर वो हम लोग जो, जो स्टैंडर्ड फर्स्ट सोफा से मेंटेन करते आ रहे हैं उसी को हमने डिस्टर्ब नहीं किया वो सब सेम है सर अभी सर इस सोफे की एक खास बात है सर कई बार कस्टमर एक माइंड सेट करते हैं कि मेरा डोर बहुत छोटा है लाइक थर्टी इंचज थर्टी टू इंचज ये सोफा सेफ है सर किसी भी डोर से निकल जाएगा अच्छा। इसकी जो बैक हाइट तो है किसी भी डोर से इजीली निकल जाता और कंफर्टेबली चला जाता है सर right. राइट ये सर पूरा का पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर सेम वही वुडन है नीचे का बेस जो है ये बेस इसका नीचे का सारा टीक वुड का है सर ठीक है और जो ऊपर ये है फ्लेक्सी प्लाई लगा के मापा विनियर यूज किया है मापा के ऊपर इसको पोलियस्टर टच दिया है सर ठीक है Polyster है, है, शाइनिंग तो इसलिए इसको थोड़ा सा कंट्रास्ट करने के लिए पीछे का हिस्सा भी आपको एक थोड़ा सा एरिया आपको ऐसे ही फिनिश्ड दिखेगा सर और बाकी पार्ट में फैब्रिक है जी सर ओके okay, डन कुछ लोग ऐसा होता है कि पीछे के पार्ट के फैब्रिक को प्रॉपर फोकस नहीं करते जी ठीक है और इसमें आपने स्वीक कीजिए कि कॉटन को यूज किया है जी सर अच्छा कॉटन कॉटन में बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं आती है जैसे फील्ड में ना बट सोबरनेस एक सोबरनेस हमें चाहिए थी सर अगर इसके साथ भी हम किसी तरीके का शिमर वाला फैब्रिक डाल देते हैं, तो इसकी सोवरनेस खत्म हो तो तो शाइन शाइन ओवरऑल exactly. ओवर लुक बहुत अच्छा था सर ये बहुत ही मतलब एक रेगुलर सोफा है मैं नहीं कहूंगा कि बहुत हाई एंड सोफे की तरफ है बहुत बेसिक सोफा है बहुत टाइम से चलता आ रहा है और सीरियसली इसको कंफर्ट की वजह से ये अभी भी बिक रहा है सर अच्छा बैठने का कंफर्ट आपने इसका देखा सर अब सर यहाँ आ जाती है नीट एंड क्लीन एक प्रोडक्ट दिखाने की जो हम बात कर रहे थे अभी आप इस सोफे को कहीं से भी देख लीजिए इसकी कोई स्टिचिंग आपको कोई आउट नहीं मिलेगी पीछे से देखेंगे पीछे भी पूरा सोफा बिल्कुल स्ट्रेट है पीछे पूरा का पूरा कैनवास लगा के फोम लगा के कवर किया होता है सर ठीक है ये अच्छा सोफा है रिजनेबल सोफा और लुक वाइज बहुत सिंपल सोफा है वेरी नाइस बहुत अच्छा है मुझे लगता है की कम्फर्ट अच्छा है सिम्प्लिसिटी इसकी अच्छी है और आप इसके के साथ कलर्स में भी प्ले कर सकते हैं क्योंकि yes, बहुत वॉल्यूमिनस नहीं है मतलब इट्स इट्स नॉट 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 अ अ मैसिव वेरी बीफी सोफा yes, आप इसको डिफरेंट कलर्स में प्ले कर सकते हैं जी सर रेस्ट पे बैठने के अंदर सीट के अंदर आप इसके देखेंगे सर अगर थोड़ा सा ये उभार दिया हुआ है ये जो बबल्स हैं जी जो ये बबल्स का लिख दिया हुआ है सर ये सिर्फ डिजाइन नहीं है इसका एक बहुत अच्छा वो है एक पॉइंट कि हमारे हम किसी भी नॉर्मल सोफे पे बैठते हैं थाइज में गैप आ जाता है ठीक सर इस सोफे पे आप पर्सनली बैठ कर देखिए कहीं थाइस में आपके गैप नहीं आएगा और बहुत कंफर्टेबली आप बैठ पाएंगे याचुअली

हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं है इस तरह के डिजाइन देखने के जी सर एंड स्लोली सी गेटिंग पार्ट ऑफ माई 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 वॉट यू कॉल परसेप्शन और अब मुझे कंफर्टेबल लगने लगा ये देखने में भी क्योंकि शुरू में हमने देखा था तो ये डिजाइन पहले नहीं देखी थी सर ये पॉइंट अब एक्चुअली देखने में जो बबल्स का डिजाइन है ना ये थोड़ा सा देखने में एक बार व्यूअर्स को लगेगा कि ये किस वजह से है सर बट जब प्रॉपरली इस पे बैठ जाएंगे तो बैठने के बाद पता जैसे आप बैठे सर आपको पता लग गया कि पूरा थाइस का गैप खत्म कर देता है और पीछे बैक को पुश कर बैक को हमारी बैक को खुद ही टिल्ट करता है कि आप बैक स्पोर्ट लेके बैठिए बिल्कुल तो ये बहुत कम्फर्टेबल सोफा है ठीक है अभी देखिए अभी हम पिछले सोफाज में बात कर रहे थे चेस्ट की यहाँ पे फिर वापस चेस्ट फील्ड

एक वर्ड मैंने यूज किए थे कि हम रेजिन को प्रमोट नहीं करते बट एक लग्जरी सेगमेंट का टेस्ट अगर किसी को चाहिए और बजट के अंदर चाहिए पॉकेट फ्रेंडली है वो चाहिए हमें चाहिए, हम टेस्ट करते हैं कि हमें एक बहुत अच्छी चीज मिले लुक में बहुत रॉयल लगे बट हमारी पॉकेट अलाउ करती है एक लिमिटेड बजट को तो इसलिए हमें रेजिन के अंदर खुद ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाला सर और कुछ ये प्रोडक्ट्स डेवलप किए क्वालिटी एश्योरेंस मैं आपको अपने हर प्रोडक्ट की दे सकता हूं सर रेजिन की भी कि इसके अंदर आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी सर ओके ठीक है डन अब हमारे पास जो कलर ऑप्शन है वो आप अपने हिसाब से कर लें जी सर पॉलिश का और, और फेबरिक का जी सर ये वेरी नाइस मुझे बहुत अच्छा ये सर ये एक बहुत कॉम्पैक्ट सोफा है फिर अगेन फिर चेस्टरफील्ड हम लोग लेके आ गए सर अब इस सोफे के अंदर सर जो इसका बेस्ट पार्ट है ना इसका पॉलिश एलिमेंट है सर। जी। ये गोल्डन कलर है बिल्कुल प्योर गोल्ड, गोल्ड कलर है सर ये इसका कलर आप बिल्कुल क्लियर देखिए सर बिल्कुल नीट एंड क्लीन पीयू पॉलिश के अंदर ये पूरा का पूरा थ्रू आउट सिंगल थीम चली हुई है पूरे सोफे के ऊपर सर जी पॉलिश नहीं सर पीयू है सर ये पीयू है बहुत अच्छे फिनिश के अंदर ये पीयू किया हुआ है सर अच्छा अभी क्योंकि टीक मोर क्लोज टू माय हार्ट पीछे देखिए फिनिशिंग आप आपने हमें फ्रीडम दिया yes, sir. है ना पीछे तो ऐसा नहीं होगा कि पीछे से बुरा लग रहा है और आगे से कुछ अलग दिख रहा है सर बहुत अच्छा किया है आपने पीछे से तो जब भी आप लोअर सेगमेंट के फर्नीचर यूनिट खरीदे बी इट रेजन और टीक वुड सर हमेशा उसको 360 डिग्री एक बार चेक कर लें आपको पता चल जाएगा जी सर अल्टीमेटली यू हैव टू फॉलो योर बजट दट इज डिफरेंट थिंग राइट बजट में फॉलो करें लेकिन yes, yes, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या 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 ले रहे हैं दिस इज वेरी नाइस वेरी वेल डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ गोल्ड थोड़ा सा मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँ इसका जी yes. कि गोल्ड से बेज को बहुत डिस्टिंगली डिफाइंड करता है वो तो आप अपने घर में स्लीक कॉम्पैक्ट स्पेस हो बड़ा स्पेस हो आप आराम से इसको यूज कर सकते हैं इसमें जो कलर है वो गोल्ड में है बट आप इसको सिल्वर कॉपर किसी भी कलर में ना? कर सकते हैं क्रैकल फिनिशी वो भी सर. कर सकते हैं

चलिए का okay, का दूसरा है है अब बताएं इसके बारे में सर, फिर अगेन एक <coughs> polish का ही डिजाइन mm -hmm. हर कोई कर लेता है डिजाइन को थोड़ा सा हाईलाइट कैसे करना है वो यही पता लगता है जी फैब्रिक कॉम्बिनेशन से एंड पॉलिशिंग क्वालिटी से सर राइट right. अभी ये resin के अंदर है हमने वॉलनट भी देख लिया hmm. हमने डार्क वॉलनट लाइट वॉलनट के शेड देख ली है ये बिल्कुल वाइट एंड गोल्ड का कॉम्बिनेशन है व्हाइट गोल्ड कॉम्बिनेशन सर एक ऐसा कॉम्बिनेशन है इसके साथ कोई भी आप कलर डालोगे ना वो इसके साथ जाएगा ही नहीं तो इसके लिए थोड़ा सा कलर का भी ऐसा सोचना पड़ रहा था कि हम इसमें डालें क्या अब यहाँ पे वाइट डाल देंगे वो मर्ज हो जाएगा गोल्ड डाल देंगे वो ऑकवर्ड लगेगा तो इसलिए बिल्कुल इसको थर्ड कलर की तरफ लेके चले गए हैं सर एमरेल्ड ग्रीन इसके साथ हमने ऑल ओवर कलर यूज किया है और एमरेल्ड का ही सेम प्रिंट इसके साथ मर्ज किया है इसके साथ

उनका डेकोर वैसा ही होगा क्लासिकल थीम में होगा सर बिल्कुल और क्लासिकल थीम होती है क्रीम एंड एंड ब्राउन ब्राउन की बेज ब्राउन की बेज वही फैमिली चलती है सर क्लासिकल थीम के अंदर ठीक बात है तो ये इसीलिए इसको थोड़ा सा ब्राउन कलर की तरफ फैब्रिक किया है तो ओवरऑल लुक बिल्कुल डिफरेंट निकल गोल्डन के अंदर थोड़ा एंटीक टच दिया हुआ है, और उसी टच को लेके उसी कॉम्बिनेशन को उसी को फैब्रिक के अंदर भी लेके आ गया इसके साथ इसकी हाई बैक चेयर्स भी हम्म इसकी बनते सिंगल सीटर है लो बैक के सिंगल सीटर अगर किसी कस्टमर को चाहिए वो भी बना सकते हैं ये इसकी प्रॉपर हाई बैक चेयर्स है सर अच्छा यस सर इसकी पॉलिश में सेम है वो सर क्राउन छोटा है वो इसीलिए लग रहा है अच्छा क्योंकि उसमें थोड़ा सा डार्कर टोन ज्यादा हाँ, उसमें डार्कर टोन उसमें ज्यादा है सर इसमें नहीं है सर अच्छा। इसमें क्राउन एंटीक बहुत कम नाम का एंटीक डलेगा इसमें प्रॉपर एंटीक लग सकता है सर ओके चलिए इस बार हमें दो फिनिश भी देखने को मिल गई टीक वुड के साथ है और सोफा है सर। ये सारा टीक वुड है सर इसमें कोई रीजन नहीं है सर चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ येलो कलर देखेंगे ये ये हमने एक सैम्पल्स तैयार किए हैं बेसिकली एक और डिजाइन अभी आएगा आगे तो इन सैंपल्स को हम लोग आगे कंटिन्यू करके चलेंगे सर जी समथिंग टेल्स मी दिस इज गोइंग टू बी लिटिल ऑन द हायर साइड बिकॉज इसका फैब्रिक आई कैन सी थोड़ा सा अपर सेगमेंट का है फिनिशिंग इसकी और भी अच्छी है जी सर और रहे? बेस इसका भी टीक वुड का है कार्विंग खराब किए हुए सर। और टीक का है और मैट, मैट पॉलिश इसके ऊपर सॉरी पीयू पॉलिश है वॉलनट कलर में सर चलिए ये सर बेडरूम सोफा है टू सीटर सोफा ओके बड़ा कॉम्पैक्ट सा सोफा है ये भी टीक वुड के बेस के साथ है विद ओरिएंटल लेग्स अच्छा कंटिन्यूटी में किसी भी कलर में किसी भी रिक्वायरमेंट में मिल जाएगा थ्री प्लस टू प्लस टू और थ्री वन वन